दोस्तों अभी ये मशीन बंद के रेडी हो चुकी है, चला दी थी, और अभी आपको हम इसको दोबारा चला के ये मशीन फिर से बंद रही है। इसमें एक एक पुर्जा याद भी रखना पड़ता है कौन सा कहाँ है। गाइज ये साइड हमारी पूरी हो चुकी, जो पहली पुरानी साइड चली हुई थी दिसंबर से चली थी ये सन 2022 में, और अब ये 23 में क्लोज हो चुकी जुलाई में। अब ये हमारी जो साइड है, अब दूसरी इस मशीन को हम लेके जा रहे हैं सरोग में ही, दूसरा काम है। सरोग है ये शिमला से 22 किलोमीटर दूर, ठियोग की साइड चलते हैं तो वहाँ सरोग गली है, सरोग गली से अंदर आते हैं ना, तो सरोग में एक सरोग से नीचे थाना विलेज है, वहाँ ये साइड चली हुई थी हमारी। अब यहीं सरोग में ही हमारा एक दूसरा साइड सामने चलने वाला है, बड़ा 2-3 मंजिल का साइड है वो भी। अब ये मशीन हम यहाँ से खोल करके लेकर के जा रहे हैं, और उस साइड में जो भी सीलिंग पैलिंग मॉडुलर किचन खिड़की दरवाजे सभी बनेंगे, वहाँ कुछ अलग डिजाइन है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उस काम की भी वीडियो हम दिखा सकें। यहाँ पे ये साइड हमारी थी जो कंप्लीट हो चुकी, अब ये मशीन खोल के हम उस साइड पर ले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये सेब तैयार हो चुका है यहाँ, अब सेब का सीजन आ गया हम लोगों का। ये साइड हमारी पहले से ही कंप्लीट हो गई। अब यहाँ सामने जो आप देख रहे होंगे वो मकान में काम चलने वाला है, आपको यहीं से दिखाते हैं। सामने जो सामने एक मकान दिख रहा है, उस मकान में अब काम चलेगा हमारा, यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे इसको। मशीन को खोल के दोबारा कैसे बनता, ये पूरा मशीन खुल गया, ये पूरा बंधेगा, ये दूसरी साइड पे जा रहा। अब ये पूरा खोल दिया, यहाँ यही दिक्कत है बस पहाड़ों में थोड़ी, कि इसको खोल करके अब फिर से बांधना पड़ेगा। अब ये सामान जा रहा है दोस्तों सारा, यहाँ मशीन वशीन खुल करके प्रकाश चंदेल के यहाँ से सरोग में, शिमला के पास आगे ठियोग के पास में सरोग है, सरोग गली के पास। लीजिए सर, अब हम अपनी दूसरी साइड पर पहुंच चुके हैं इस मशीन को लेके। अब इस मशीन को यहाँ पे दोबारा से जोड़ा जाएगा, इसको दोबारा बांध रहे हैं। ये हमारे भाई साहब हैं श्यामलाल जी, पूरी मशीन को खोल करके बांधते हैं, एक एक पुर्जा फिर से बांध देते हैं। अच्छा यहाँ का अब आपको हम काम दिखाते हैं क्या क्या होना है। ये साइड है, ये है सरोग गली ठियोग से जो आता है विलिज सरोग यहाँ पे, और अभी जहाँ से हम आए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये सामने में जो आप देख रहे होंगे हरी चादर वाला जो छत दिख रहा है, यहाँ से अब ये दूसरी साइड पे आए, वो जो परले वाला दिख रहा है वहाँ से अभी इस मशीन को लेके आए खोल के, क्योंकि वो नीचे था ना। अच्छा अब यहाँ क्या क्या काम होना है, सबसे पहले ये खिड़की बनेगी, ये दरवाजे बनेंगे, ये सारी खिड़की पल्ले बनने हैं, और इधर ये दरवाजे खिड़की सारे ही बनेंगे। ये 3 मंजिल का मकान है इनका, बड़ा काम है, एक ही कमरा है, और जी ये ड्राइंग रूम है, यहाँ मशीन लगाई, ये 3री मंजिल पे लेके आए हैं ऊपर मशीन को, इसलिए खोलना पड़ा है। और ये वाला जो है ये किचन बनेगा, मॉडुलर किचन, इसमें ये है हमारा 20 बाई 17 का ये हॉल है, इसमें जो है ना मॉडुलर किचन बनेगा, ये आप देख रहे होंगे, ये दरवाजे बनने हैं, ये खिड़कियां बननी है सारी। फिलहाल नीचे वाली मंजिल में अभी ग्रेडिंग मशीन लगी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें ऊपर जो है सारी ये सीलिंग होनी है, वुडन सीलिंग होगी,
इसमें भी एक बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन देंगे जो ऑनलाइन हमने उठा रखा है, और इसमें होना है पैलिंग। ये विदाउट प्लास्टर है, इसमें प्लास्टर नहीं हो रहा अभी फिलहाल। प्लास्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पैलिंग ऐसे डायरेक्ट भी हो सकती है। ये 20x17 का एक हॉल है जिसमें ये अभी बनना है, और ये एक कमरा है इधर, इधर एक कमरा बनाया गया है। ये 15x12 है, इसके ऊपर सीलिंग होनी है, ये पैलिंग होनी है, सेटों में खिड़कियां बनेंगी इसकी, यहाँ पे ये सारी पैलिंग है, एलसीडी पैनल यहाँ बनेगा, और यहाँ पे जो है ना एक सोफा कम बेड आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा एलसीडी पैनल। इसके पास में जो ये दीवार आप देख रहे होंगे, इसमें एलसीडी पैनल आएगा, और इसकी पूरी ड्राइंग रूम की सीलिंग होनी है। यहाँ पे बैठने का बनेगा ये वाला, ये इसी तरीके से नीचे वाली मंजिल भी है, जो 2 मंजिल का काम है ये हमें करना है सरोग में, शिमला ठियोग गांव सरोग, बड़ा गांव है, अच्छा खासा मन लगता है, बाजार भी है यहाँ, और एक साइड हमारी आप देख रहे होंगे जो लाल छत है सामने, वहाँ पे भी अब आने वाली है इस तरफ, वो भी 3 मंजिल का बड़ा काम है। अगली साइड हमारी चलने वाली है कुफरी में, शिमला कुफरी, वहाँ का भी दिखाएंगे आपको। और ये वाला बाथरूम बनाया उन्होंने, इसमें टाइल लगेगी। कर रहे हैं मशीन बांध रहे हैं, अरे ये हमारे बड़े मिस्त्री हैं, जो ठेकेदार है हमारा वो ये सामने है। ठेकेदार साहब नमस्कार, और कैसे हो? बढ़िया। ये मशीन फिर से बन रही है, इसमें एक एक पुर्जा याद भी रखना पड़ता है कौन सा कहाँ है, पूरी मशीन को खोल करके दोबारा से बनाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में यही दिक्कत है, ये सारे पार्ट आप देख रहे होंगे ये वहाँ से खोल कर लाए दूसरी साइड से, और यहाँ सरोग में जो ये साइड शुरू करिए, यहाँ पे इस मशीन को दोबारा से बांधा जा रहा है। ये सब ये रंदा मशीन प्लेनर है, डबल गेज का है, ये इसको बांध करके फिर से काम चालू होगा। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ एलसीडी पैनल बनेगा, एक रूम बनाया है ये पीछे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये देखना है, इसमें सारी जो है ना सबसे पहले खिड़कियाँ बना रहे हैं हम, विंडो खिड़की। दोस्तों अब ये मशीन बंद के रेडी हो चुकी है, चला दी थी, और अभी आपको हम इसको दोबारा चला के भी दिखाएंगे। ऐसे बांधी जाती है मशीन दोबारा खोल के।